कानपुर शहर का इस्कॉन टेम्पल, जय श्री कृष्णा, मुख्य द्वार। अब हम सब मंदिर में दर्शन करने चलते हैं, पर अभी मंदिर के द्वार बंद हैं। जन्माष्टमी में बच्चों के कई प्रोग्राम हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे हमारे सब ड्राइंग कर रहे हैं। ये हमारे इस्कॉन कानपुर की तरफ से जन्माष्टमी में बच्चों के लिए इवेंट रखे गए हैं। इसमें ड्राइंग भी है, अभी ऐसे राइटिंग का भी इवेंट होगा, उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होगा। ये हमारा ड्राइंग कंपटीशन ऑलरेडी चालू है और 6 बजे तक में आपके सामने फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी आएगा। हरे कृष्ण। ये इस्कॉन टेम्पल का भवन है। यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है। यहाँ आपका ये क्या प्रोग्राम है? संगीत का प्रोग्राम है। मंदिर के पट खुल गए हैं, अब हम सब दर्शन करेंगे। सुंदर झांकी, ये भवन। भगवान की फूल माला, आरती, भोग, सेवा, प्रसाद, उसके लिए हमारे मंदिर में एक अकाउंट है, उससे आपके अकाउंट से ECS के थ्रू चला जाएगा पैसा और आपकी सेवा में लगेगा। राधे राधे। यहाँ पे पूजा से सामग्री, लड्डू गोपाल, उनके वस्त्र सब उपलब्ध है। ज्वाइन करिए, हमारा हर संडे को होता है, हफ्ते में एक दिन मॉर्निंग मतलब शाम को होता है 5:30 के। यहाँ के सीनियर जो टीचर्स होते हैं वही लोग देते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन फीस क्या है ना, 300 रुपये पर हेड है। आपको कैसा लग रहा है कृष्ण नगरी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी पहली बार आए हैं। सुना था पर मतलब पिछली बार भी सोचा था आने को, आ नहीं पाए, अच्छी बार आ पाए। बहुत ही सुंदर झांकी गार्डन एरिया में। कान्हा जी की नगरी में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात कृष्ण भगवान आ गए और हम लोग मथुरा में उनके साथ गोपियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। गौ सेवक ने हमें बताया यहाँ 7 गाय और 7 बछड़े हैं और गाय के दूध से ही यहाँ का प्रसाद बनता है। मेरी चंदा जरूर बिहारी, राधे राधे, राधे राधे। फिर से दोबारा अगर आना हुआ यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल तो फिर आपसे मिलेंगे और सबसे मिलेंगे। और बाकी जो है आंटी का जो है चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जो है प्रेस कर देना। बिना प्रेस करे जो है कोई नहीं जाएगा फिलहाल तो। एक जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।